आप हैं श्री अमित गुप्ता जी, फर्म अमित एंटरप्राइजेस। आप दालों, चावल एवं पोल्ट्री फीड के थोक विक्रेता हैं। आप सन 1987 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। आप मृदुभाषी, मिलनसार, मानवता प्रेमी, निर्मल एवं स्वच्छ छवि, सरल एवं सौम्य स्वभाव, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। आपके समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानगढ़ जैन गोलछा का सादर नमस्कार। जय जिनेन्द्र। व्यापारी भाइयों, आपको ज्ञात ही है कि मुझे 53 साल से नया बाजार में आप लोगों के बीच में स्नेह प्यार प्राप्त करते हो गया है। अब मैं वे भावना है कि दिल्ली नया बाजार में 53 साल से कार्य किया है तो एक ऐसी सवारी का या ऐसा काम किया जाए जो यादगार बन जाए, उसके लिए एक अभियान सा सम्मान समारोह का मैंने शुरू कर रखा है। उसमें से एक ऐसे महान व्यक्ति का जो मेरे से 20-25 साल से हम साथ भी रहे हैं, एक साथ बिल्डिंग में रहे हैं, कार्य एक साथ किए हैं, वो अच्छे परिचित हों में काफ़ी मिलनसार हैं, हंसमुख है, सबका आव भगत करने में, व्यवहार में हर तरह से कुशल है। ऐसे व्यक्ति का आपका साक्षात करवा रहा हूँ, वो है अमित कुमार जी, जो नया बाजार में कार्यरत हैं और अपने व्यापार से ही अपना विषय उस पर आना जाना, व्यापार के मतलब से ही बात करना, कम बोलना, व्यापार करना, इसका पूरी दृष्टिकोण से इनका एक अलग ध्येय रहता है कि गोलछा जी, हनुमान जी, आदमी को आपके तरह काम करना चाहिए, जो बात पे भजन हो उसी हिसाब से काम करे, अच्छा रहे। ऐसे व्यक्ति से अमित कुमार जी से मैं आपका रूबरू करा रहा हूँ। भाव जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आशीर्वाद है जैन साहब। अब जरा साहब अपने बारे में, व्यापार के बारे में जानकारी देने की कृपा करें। मैं अमित गुप्ता, अमित इंटरप्राइजेज, नया बाजार। मैं हनुमानमल गोलछा जी को एक लंबे अरसे से जानता हूँ। वो एक बहुत ही सामाजिक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और व्यापार के लिए समर्पित हैं। व्यापारी भाइयों के लिए पूरा योगदान हमेशा इन्होंने कराया, डायरेक्टरी के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। मैं इनका पूरा सम्मान करता हूँ। और हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एक लंबे अरसे तक हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, आमने सामने ही हमारे ऑफिस थे और विशेष रूप से प्रेम हमारा इनसे पारिवारिक रूप से इनसे हमारा प्रेम है। और एक लंबा अरसा हो गया इन्हें अपने बाजार में सहयोग और योगदान देते हुए। खूब व्यापार भी किया है और व्यापारी लोगों के बीच में खूब स्नेह भी पाया है इन्होंने। और हमेशा व्यापार के बारे में समझाते भी रहते हैं कि व्यापार जो है बहुत धैर्यपूर्वक करना चाहिए। व्यापार में मेन जो इन्होंने समझाया हमें, यही तीन चीज़ें मेन होती है, हबर, सबर और खबर। हबर मतलब हौसला, खबर मतलब रिपोर्ट होनी चाहिए, सबर मतलब धैर्य रखना चाहिए। ये तीन गुण हैं व्यापार के मेन, ये इन्होंने हमें हमेशा ही बताई, हमेशा ही समझाया कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रेम से और पूरे धैर्य से व्यापार करना चाहिए। हम इनके बहुत आभारी हैं। मैं इनके जो भी इन्होंने हमें सहयोग दिया उसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब इनका इतना एक पूरे जीवन का एक इतना लंबा हिस्सा इनका इस व्यापार जगत से जुड़े रहते हुए सबको जो है सहयोग किया इन्होंने, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। धन्यवाद।